ओके, इज द स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? स्क्रीन सबको दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है, वॉइस आ रहा है? ठीक है, ओके तो हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी से चालू किया था एंड हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड मेंटेन, बीच में थोड़ा बहुत इक्वेशन और वैल्यू वगैरह भी हमने देखा, कैलकुलेटर यूज कैसे करना है। तो आज सबसे पहले एक क्विक रिवीजन करेंगे कि अभी तक क्या क्या पढ़े हैं, ताकि हम लोग का फॉर्मूला शीट रेडी हो जाए, क्योंकि पूरा जो टर्म स्ट्रक्चर तक का जो पार्ट है उसमें हम लोग को ये सारा फॉर्मूलाज काम में आएगा। ठीक है, तो हेडिंग लगाना, समरी बोल के एक हेडिंग लगा लो। ठीक है, पीछे से वाला फैन बंद करके आ जाओ तुम, और ये वाला भी फैन बंद कर दो। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हमने चालू किया था सिंपल इंटरेस्ट से, उस पे हमने पढ़ा था प्रेजेंट वैल्यू 1 + NI इज व्हाट, अक्यूमुलेटेड वैल्यू। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने पढ़ा प्रेजेंट वैल्यू 1 + I^n इज अक्यूमुलेटेड वैल्यू। सिंपल डिस्काउंट में हमने पढ़ा अक्यूमुलेटेड वैल्यू 1 - ND इज प्रेजेंट वैल्यू। कंपाउंड डिस्काउंट में हमने पढ़ा AV 1 - G^n इज प्रेजेंट वैल्यू। ये सब हमने देख लिया था। उसके बाद में हमने देखा दैट अक्यूमुलेशन फैक्टर इज 1 / डिस्काउंटिंग फैक्टर। उसके बाद में हमने देखा कि V इज व्हाट, 1 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर विच इज 1 / 1 + I, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 - D, एंड D जो है वो डिस्काउंट रेट होता है विच इज I/1 + I। उसके बाद में हमने देखा इंटरेस्ट रेट का कन्वर्जन, तो इंटरेस्ट रेट का कन्वर्जन में हमने देखा 1 + I इज 1 + IP/P होल टू द पावर P। यही हमने देखा 1 - D इज व्हाट, 1 - DP/P होल टू द पावर P। एंड इसी में हमने एक और चीज देखा जो मोस्ट जनरल फॉर्मूला था, 1 + IP/P होल टू द पावर P इज 1 - DP/P होल टू द पावर P। एंड ये दोनों जो P है ये सेम होना चाहिए क्या? नहीं, जरूरी नहीं कि सेम होगा। हम लोग किसको किससे इक्वेट कर रहे हैं? 1 साल का अक्यूमुलेशन फैक्टर को इक्वेट कर रहे हैं 1 / 1 साल का डिस्काउंट फैक्टर से। ठीक है, इसके बाद में हमारे यहाँ पर आया था फोर्स ऑफ इंटरेस्ट, सो 1 + I इज e^(Δ), एंड हमने देखा V0 to N इज वॉट, e^(-Δ)N एंड A0 to N, N ईयर्स का अक्यूमुलेशन फैक्टर इज वॉट, e^(Δ)N। इसके बाद में हमने देखा अक्यूमुलेशन फैक्टर का मतलब क्या होता है, हाउ मेनी टाइम्स माई फंड हैज ग्रोन। ठीक है, V0 to N का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट फैक्टर फ्रॉम टाइम N टू टाइम जीरो। इज इट ओके, येस और नो? ठीक है ना। इसके बाद में हमने देखा जब डेल्टा कांस्टेंट नहीं होगा, जब डेल्टा कांस्टेंट नहीं होगा तब हम लोग A0 to N कैसे निकाल सकते हैं? जब डेल्टा कांस्टेंट नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन टाइम जीरो पे जो पैसा है उसको N पे लेके जा रहे हैं, Δt/dt। सिमिलरली हमने देखा V0 to N, सो दैट इज एक्सपोनेंशियल माइनस इंटीग्रेशन 0 to N Δt/dt। इसके बाद में हमने देखा पेमेंट स्ट्रीम, सो पेमेंट स्ट्रीम में अगर मान लो प्रेजेंट वैल्यू निकालना है टाइम A पे, तो हमने देखा इंटीग्रेशन A टू B
रोटी एक्सपोनेंशियल माइनस टाइम ए पे लेके आएंगे, टाइम टी पे जो पैसा है लिमिट्स में टी है बोल के, डेल्टा एस डी एस होल इनटू डी टी, वेर रोटी इज द रेट ऑफ पेमेंट एट टाइम टी। यही मान लो अगर अक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालना होगा टाइम बी पे, तो हमने क्या देखा था, तो हमने क्या देखा था, इंटीग्रेशन ए टू बी रो टी एक्सपोनेंशियल टाइम टी पे जो पैसा है बी पे, डेल्टा एस डी एस होल इंटू डी टी। ठीक है, ये हमारा पेमेंट स्ट्रीम खत्म हुआ। इसके बाद में हमने देखा था एनविटी, इसके बाद में सबसे पहले हमने किए थे लेवल एनविटी के फॉर्मूलास, तो उसमें हमने देखा था ए एन, ए एन इज वॉट 1 माइनस v टू द पावर n बाय i। फिर हमने देखा था ए डी यू एन, 1 माइनस v टू द पावर n बाय d। फिर इसके बाद में हमने देखा ए बार एन, दैट इज 1 माइनस v टू द पावर n बाय डेल्टा। इज इट ओके ऑल ऑफ यू? ये तीन फॉर्मूला हमने देखा था लेवल एनविटी में। ठीक है, इसके बाद में हमने देखा एस एन, सो एस एन इज वॉट 1 प्लस i टू द पावर n माइनस 1 बाय i। एस डी यू एन इज वॉट 1 प्लस i टू द पावर n माइनस 1 बाय d। एंड एस बार एन हमने देखा था 1 प्लस i टू द पावर n माइनस 1 बाय डेल्टा। क्लियर है? हमने एक फॉर्मूला देखा था परपेचुइटी का, हमने एक फॉर्मूला देखा था। ठीक है, परपेचुइटी का हमने एक फॉर्मूला देखा था। परपेचुइटी का फॉर्मूला क्या था? ऊपर में आएगा एनुअल अमाउंट और नीचे में आएगा आई डी डी टू एक्सेट्रा अप टू डेल्टा, जो भी दिया हुआ है जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, उसके बाद में हम लोग किए थे डेफर्ड एनविटी। सो डेफर्ड एनविटी के केस में अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो हम लोग वी टू द पावर एम ए एन कर सकते हैं, एनविटी फॉर एन ईयर्स विच इज डेफर्ड फॉर एम ईयर्स। यही तो किए थे ना, एक्स्ट्रा होगा, फ्यूचर वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद में आपने किए थे कंपाउंड इंक्रीजिंग एनविटी। सो कंपाउंड इंक्रीजिंग एनविटी में क्या समझे थे हम लोग, अपने को जीपी बनाना है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाना है, राइट? उसके बाद में आपने किए थे सिंपल इंक्रीज एनविटी, इसमें अपने चार फॉर्मूला किए थे। ठीक है, सिंपल इंक्रीज एनविटी में अपने क्या किए थे, सबसे पहले अपने किए थे आई ए एन विच इज ए डी यू एन माइनस एन वी टू द पावर एन बाय आई। उसके बाद में अपने किए थे आई ए डी यू एन विच इज वॉट ए डी यू एन माइनस एन वी टू द पावर एन बाय डी आई ए बार एन। तो ये अपना क्या आएगा बताइए, आई ए बार एन क्या आएगा, ए डी यू एन माइनस एन वी टू द पावर एन बाय डेल्टा, और एक आया था आई ए होल बार एन विच इज ए बार एन माइनस एन वी टू द पावर एन बाय डेल्टा। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है ये चीज समझना। तो ठीक है, अब जैसे इसके बाद में ये सब कॉपी हो गया, कुछ कर रही थी क्या?
कल और परसों दोनों दिन लैपटॉप लेके आएगा, ठीक है? मैम एक्सेल का क्लास लेगी 2 दिन, तो तुम लोग को एक बार बेस रेडी कर देगा 2 दिन में। कल पेपर ए भी होगा, पेपर बी भी होगा, ठीक है? और परसों को खाली पेपर बी होगा, फिर एग्जाम होगा, ठीक है? निकल क्यों? कल तो नॉर्मल 6 बजे। नहीं, वो 1-1 घंटा। हाँ ठीक है, चलो आओ, ठीक है? अब ध्यान देना, हेडिंग लगाओ, इक्वेशंस ऑफ वैल्यू, ठीक है? देखो ये चीज मैंने पहले भी डिस्कस किया, अब दोबारा से रिविजिट कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि दुनिया का रीति ये है कि भाई आज अगर मान लो कोई तुम्हारे पे कुछ कर रहा है, ठीक है, दुनिया में फ्री भी बोल के कुछ भी नहीं होता है, ठीक है? तो ऑब्वियस सा बात है, उसके पीछे उसका कोई इंटेंशन होगा। 1% केसेस में ऐसा होता है कि सामने वाले का कोई इंटेंशन नहीं होता, प्योर एट हार्ट, ठीक है? तो आज तुम लोग जो पैसा दे रहे हो, दैट इज एन आउटफ्लो फॉर यू। एंड तुम लोग को क्या लगता है कि फ्यूचर में मेरे को इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे, कैश फ्लोज आएंगे, राइट? तो तुम लोग एक मैच कर पा रहे हो कि भाई आज जो मैं पे कर रहा हूँ 31,800, मेरे को फ्यूचर में उतने का बेनिफिट होगा, राइट? सो ये जो इक्वेशन है ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, कुछ लिखना मत, इस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, ध्यान से सुनो, बोलता है फ्यूचर में जितना भी सारा इनफ्लोज होगा उन सबको पुल बैक करेंगे तो आउटफ्लो के बराबर आएगा। अब ये दोनों जो होगा ना, ये दोनों बराबर होगा एक रेट पे, चीज समझो। वो रेट बेसिकली अपने को निकालना है, एक चीज समझो। मैं बोलता हूँ आज आप 31,800 दे दो, आपको 3 साल के बाद में 5 साल तक 50-50 हज़ार रुपये मिलेगा। तो एक रेट होगा ना, जो आपका पैसा जो आपने लगाया, इन्वेस्टमेंट जो किया, उसका एक रेट ऑफ रिटर्न होगा। सो वो बेसिकली निकालना हो सकता है, ठीक है? जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं बॉन्ड का, ठीक है? एक बेसिक बॉन्ड है, आज आपने 1,000 रुपया दिया, कोई कुछ लिखेगा नहीं, कोई कुछ लिखेगा नहीं, खाली कैलकुलेटर आएगा आज हाथ में, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? यहां पर आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा 8% ब्याज के हिसाब से, तो कितना मिलेगा? 80, 80, 80, 80, और यहां पर भी आपको 80 मिलेगा और आपका पैसा वापस मिलेगा। तो ये जो मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है, इसमें मेरा रेट ऑफ रिटर्न कितना है? रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 8%। पैसा पे कितना परसेंट ब्याज मिल रहा है? 8%। और 5 साल के बाद पैसा वापस, ठीक है? तो यहां पर अगर मैं एक इक्वेशन बनाता हूं, आउटफ्लो कितना है मेरा 1,000, इनफ्लो कितना है मेरा 80 का एनविटी है 5 साल का, सोचो 80 का एनविटी है ना 5 साल का, पहला 80 1 साल बाद, दूसरा 80 2 साल बाद, फिर तीसरा 80 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, और क्या मिल रहा है मेरे को? 1,000 मिल रहा है 5 साल बाद, राइट? अपने को देख के समझ में आ रहा है कि 8% का रिटर्न है, बट अपने एक बार प्रूविंग करेंगे, ठीक है? एक काम करो, सब लोग कैलकुलेटर निकालो और सब लोग आज टेबल बुक निकालो। सबसे पहले टेबल बुक निकालो, नहीं लाया तो शेयर कर लेना, हर बेंच में एक टेबल बुक चाहिए, ठीक है? तुम लाइयो, एक मेरे को दे दो बस। अब देखो, तुम लोग को जितना भी कुछ पढ़ाया है ना, आज तुम लोग को दिखा रहे कितना इजी हो जाएगा। एक पीछे दे दो अगर 2 जन है तो, ठीक है? देखो ये जो टेबल बुक है, इसका अपने को कौन सा वाला पार्ट काम में आएगा मैं बता रहा हूँ, ठीक है? स्टार्टिंग में स्टेटिस्टिक्स के फॉर्मूलाज हैं, ठीक है? पेज नंबर, टेबल बुक का पेज नंबर, टेबल बुक का पेज नंबर 49, टेबल बुक का पेज नंबर 49 में आओ, वहां पर देखो कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे बोल के लिखा होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बोल के लिखा होगा, ठीक है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट टेबल में बहुत सिंपल है, एक बार अपने को एक बार 4% वाले में आओ, 4% वाले में आओ, ठीक है? 4% वाले में आओ, मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो साइड बॉक्स है ना, साइड बॉक्स में देखो सारा वो सब नॉमिनल वगैरह सब दिया हुआ है, I, I2, I4, I12, डेल्टा, ये सब सब दिया हुआ है। नाउ आई वॉन्ट टू नो वॉट इज 1 प्लस I टू द पावर 1/2, वॉट इज 1 प्लस I टू द पावर 1/2, वॉट इज 1 प्लस I टू द पावर 1/2? आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन, वॉट इज 1 प्लस I टू द पावर 1/2?
इट इज द अक्यूमुलेशन फैक्टर फॉर हाफ ईयर्स, तो ये सब सब भी दिया हुआ है। अब आप आइए मेन टेबल में, एन दिया हुआ है, फिर अक्यूमुलेशन फैक्टर दिया हुआ है, फिर डिस्काउंट फैक्टर दिया हुआ है, अक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ लेवल एनविटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लेवल एनविटी। डी वाला अपना काम का नहीं है, अभी उसको छोड़ दो, स्ट्राइक ऑफ कर देना, ठीक है, अभी कोई काम का नहीं है। एंड आई ये मतलब क्या दिया हुआ है, सिंपल सिंपल इंक्रीज दिया हुआ है, तो आप अपने टेबल बुक को बहुत इजीली यूज कर सकते हैं अगर स्टैंडर्ड रेट होगा तो। स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है, आधा, एक, डेढ़, दो, ढाई, फिर तीन से लेके दस, बारह, पंद्रह, बीस, पच्चीस, दीज आर स्टैंडर्ड रेट्स, ठीक है। अब आगे से अगर आई टू देगा ना 6% का, मेरा बात समझ लेना, आई टू देगा 6%, मतलब हाफ ईयरली इफेक्टिव कितना हो गया, तीन, तो ऑब्वियस सा बात है अगर ऐसा अलाउ करेगा क्वेश्चन तो अपने हाफ ईयर में ही काम करेंगे, क्यों, बिकॉज हाफ ईयर का जो रेट है वो क्या है, स्टैंडर्ड है, तो अपने को टेबल बुक से सारा वैल्यूज मिल जाएगा। अब तुम लोग बोलेगा सर एस यू नहीं मिल रहा है, एस बार नहीं मिल रहा है, वो भी अपने इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एक छोटा सा एडजस्टमेंट करेंगे तो अपने एस एन से एस जी एन एस बार एन निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया सबको, अब 8% का टेबल में और कैलकुलेटर निकालो, 8% का टेबल में और कैलकुलेटर निकालो, ठीक है। तो 8% का टेबल में सबसे पहले ए फाइव है ना, तो ए फाइव का वैल्यू देखो 3.9927 दिया हुआ है, 8% का टेबल में ए एन का वैल्यू देखो 3.9927 दिया हुआ है, तो अपने इक्वेशन में क्या लिख सकते हैं, अपने इक्वेशन में क्या लिख सकते हैं, 80 × 3.9927 प्लस 1000 × 5 साल का डिस्काउंट फैक्टर कितना दिया हुआ है, 0.68058। क्लियर है, सॉल्व करके देखो क्लोज टू 1000 आएगा, सॉल्व करके देखो क्लोज टू 1000 आ रहा है। कितना परसेंट का रेट कमाया, कितना परसेंट का ब्याज का रेट कमाया, अरे मुंह से कुछ बोलो, 8% का रिटर्न कमाया ना। ये पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन आएगा, आपको रेट दे देगा, बोलेगा प्राइस निकालो। रेट को अपने रिस्क डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं, यील्ड भी बोलते हैं, अब से अपने यील्ड बोलने का ट्राई करेंगे, ठीक है। एंड रिस्क डिस्काउंट रेट इज नॉर्मल आई, डोंट थिंक इट इज अ डिस्काउंट रेट, रिस्क डिस्काउंट रेट, नॉर्मल डिस्काउंट रेट इज डिस्काउंट रेट, रिस्क डिस्काउंट रेट इज आई। इसका मतलब क्या है, जिस रेट पे अपने कैश फ्लोज को पुल बैक कर रहे हैं उस रेट में रिस्क का एडजस्टमेंट किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं कि मैं आपको पैसा क्यों दूं, आज के दिन पे आपको कोई एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो अगर मैं आपको पैसा दूंगा तो महीने का 2% लगेगा, लेकिन यही अगर मैं कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट को पैसा दूंगा तो महीने का 1.5% लगेगा, यही अगर मैं कोई वेल्दी बिजनेसमैन को पैसा दूंगा तो महीने का 1% लगेगा। रेट में रिस्क का एडजस्टमेंट किया हुआ है, इसलिए रिस्क डिस्काउंट रेट नाम दिया उसका, ठीक है। अब देखो यहां पर अपने को समझ में आ गया, पहला टाइप का क्वेश्चन क्या है, रेट देगा प्राइस निकालना पड़ेगा, दैट इज वेरी सिंपल। दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या है, अपने को प्राइस देगा, प्राइस मतलब क्या, जो आज अपने पे कर रहे हैं, प्राइस देगा और बोलेगा यील्ड निकालो, तो सब लोग कैलकुलेटर निकालो एक बार, सब लोग कैलकुलेटर निकालो। देखो ध्यान से, आरएचएस कर रहे हैं 81 − 1 + x, कुछ मत लिखना, टू दी पर −5/x, यहां पर इंटरेस्ट रेट को x डिनोट कर रहे हैं, देखो क्लोज ब्रैकेट के ऊपर में x दिया हुआ है, क्लोज ब्रैकेट के ऊपर में x दिया हुआ है, लाल में है कि येलो में है, लाल में है, जो चीज लाल में है वो कैसे आएगा, अल्फा दबा के, जो चीज येलो में है वो कैसे आएगा, शिफ्ट दबा के, इज इट क्लियर, अभी पूरा सिखा दूंगा। प्लस प्लस 1000 × 1 + x^-5, अपने को x के लिए सॉल्विंग करना है, अपने को x के लिए सॉल्विंग करना है, ठीक है। कैलकुलेटर में जाओ, कैलकुलेटर में जाओ, इसको पकड़ना, साक्षी को बोलो कैलकुलेटर देगी फटाफट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, कैलकुलेटर मंगवाया हूं। क्या चीज, ये पूरा का 1000 आएगा, हाँ अपने को अलग अलग मतलब ही नहीं है ना, ये पूरा का वैल्यू 1000 आना चाहिए, जो इंटरव्यू के लिए उनको बैठा बोलो 10-15 मिनट टाइम लगेगा। आप सब लोग ये कैलकुलेटर हाथ में ले लो, देखो कैलकुलेटर ऐसा दिखता है, ठीक है। अब मैं जैसे जैसे बोलूंगा मेरे को फॉलो करना, नहीं तो खो जाओगे। सबसे पहले मोड वाला बटन दबाओ, मोड वाला बटन दबाओ, तो मोड वाला बटन दबाने से COMP, स्टैट और टेबल मोड आ रहा है, तो मैं यहाँ पर स्टेप्स भी नोट डाउन करवा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने दबाया मोड वाला बटन, उसके बाद में अपन दबाएंगे तीन, अपने को टेबल मोड में आना है, टेबल मोड में आने से बोल रहा है FX डाल दीजिए,
एफ एक्स कैसे डालेंगे ध्यान देना, ब्रैकेट्स देख के देना, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे करना, ठीक है। 80 लिखो, फिर इनटू दबाओ, फिर ब्रैकेट ओपन, वन माइनस, दोबारा से ब्रैकेट ओपन, वन प्लस, उसके बाद में अल्फा दबा के क्लोज ब्रैकेट, देखो एक्स आ जाएगा, ठीक है। फिर दोबारा से क्लोज ब्रैकेट, फिर पावर में जाओ, फिर -5 दबाओ, फिर राइट बटन दबा के नीचे आओ, फिर दोबारा से ब्रैकेट क्लोज करो, ठीक है। और अब जब तुम ये वाला बटन दबाएगा ना, एबीएस के नीचे एक बटन है, एबीएस नहीं दबाना है, एबीएस के नीचे एक बटन है, ऐसा देखो, ऐसा बटन होगा, ये ऐसा डिवाइड वाला बटन होगा, उसको दबाओ, तो पूरा देखो पूरा नीचे आना चाहिए, ऐसा पूरा नीचे आना चाहिए, ठीक है। फिर अपने को नीचे में एक्स चाहिए, तो अल्फा दबा के क्लोज ब्रैकेट, अल्फा दबा के क्लोज ब्रैकेट, ये पूरा आ गया। राइट एरो दबाना, राइट एरो दबाना, देखो मिडिल में आ जाएगा, ठीक है। प्लस प्लस 1000 इनटू ब्रैकेट ओपन, वन प्लस अल्फा क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट टू दी पावर -5, देखो पूरा इक्वेशन फिट इन कर दिए, पूरा इक्वेशन फिट इन कर दिए, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। पूरा इक्वेशन फिट इन कर दिए, अब इक्वल टू दबाओ। मेरे आगे पीछे कोई धमाल देखा है? तुम लोग धमाल नहीं देखा है? कौन नहीं देखा, हाथ उठाओ तो एक बार। धमाल का पार्ट्स कब से आने लग गया? डबल धमाल वो नहीं, धमाल ओरिजिनल, जब वो एरोप्लेन में बैठ जाता है, ठीक है, उसको बोला आपको एक लाल बटन दिख रहा है, दबा दिया, नहीं दबाना था, ठीक है। उसका पापा उसको एक झापड़ मारता है, बोलता है ठीक से सुनता नहीं है, तभी यहाँ पर अगर सावधानी हट जाएगी तो दुर्घटना घट जाएगी, इसलिए बोल रहा हूँ साथ साथ रहना, आगे पीछे मत करना। स्टार्ट जो है ना, स्टार्ट, स्टार्ट में देखो वन लिखा हुआ है, ये स्टार्ट का मतलब क्या और क्या कर रहे हैं समझो। पहले हमने इक्वेशन फिट इन किया, अब ये कैलकुलेटर का काम किया है, ये आपको 20 से 22 वैल्यूज एक बार में इंटरपोलेट करके देगा, ठीक है। तो अभी अपने को क्या करना है, एकदम ध्यान से समझना, अपने क्या करेंगे ना, अपने को चाहिए 1%, 0.01 मतलब 1%। तो अपने स्टार्ट करेंगे 0.01 से, डालो स्टार्ट करेंगे 0.01, 0.01 करके इक्वल टू प्रेस करना, तो आप पूछेगा एंड खत्म कहाँ करें, अपने को 20 वैल्यू चाहिए तो 0.2 पे एंड करेंगे, तो लिखो 0.2 फिर इक्वल टू, 0.1 दबा के इक्वल टू किया, फिर 0.2 दबा के, सॉरी 0.01, ठीक है, हाँ 0.2 दबा के फिर इक्वल टू किया। आप पूछेगा स्टेप, स्टेप मतलब कितना कितना गैप में चाहिए, अपने को 1-1% का गैप में चाहिए, अपने को चाहिए 1% पे कितना, 2% पे कितना, 3% पे कितना, 4% पे कितना, 5% पे कितना, ठीक है ना। तो स्टेप डालेंगे 0.01 का और फिर इक्वल टू दबाएंगे, ठीक है। अभी रुको, कैलकुलेट होगा, स्क्रीन चला गया होगा, कैलकुलेट होगा अभी, ठीक है। आप देखो, अब आप देखो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल कर सकते हो, बहुत सारे वैल्यूज पे बहुत सारे वैल्यूज आ रहा है। अब आपको कौन सा वैल्यू चाहिए, 1000, आपको कौन सा वैल्यू चाहिए, 1000 ना, अपने तो आरएचएस का इक्वेशन को फिट इन करके एलएचएस निकाल रहे हैं, अपने को कौन सा वैल्यू चाहिए, 1000, तो 1000 चाहिए, तो देखो कौन सा रेट पे आएगा, पूरा एग्जैक्ट आ रहा है, पूरा एग्जैक्ट आ रहा है, तो अपना आंसर हो गया 8%। दिस इज हाउ यू यूज कैलकुलेटर फॉर लीनियर इंटरपोलेशन, ठीक है। ये चीज सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। अब अपने सम में थोड़ा चेंजिंग करते हैं, 0.08 पे 1000 आएगा, हाँ अभी चेंजिंग करेंगे। अब जैसे मान लो आज के दिन पे इनफ्लो का स्ट्रीम सेम है, बट आउटफ्लो अपने कर रहे हैं 1100, 1100 कर रहे हैं, तो अब देखो 1100 किसके किसके बीच में आ रहा है, 1100 आपका आएगा 5 और 6 के बीच में, 1100 आपका आ रहा है 5 और 6 के बीच में आ रहा है, तो मैं एक यहाँ पर देखो एक वो बना रहा हूं, ये देखो अपना 5% पे वैल्यू कितना आ रहा है, 1129.8, अपना 6% पे वैल्यू कितना आ रहा है, 1084.2, अपने को चाहिए 1000, अपने को एक्स परसेंट पे चाहिए, राइट। लीनियर इंटरपोलेशन का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एक्स वन बाय एक्स टू माइनस एक्स वन इज एफ एक्स माइनस एफ एक्स वन बाय एफ एक्स टू
माइनस एफ एक्स वन। अब मैं आपको बताता हूं एक्स और ये सब सब क्या है। देखो आई एम रियली सॉरी, अपने को 1100 चाहिए, ठीक है। तो ये अपना हो गया एक्स, एक्स पे अपना मिला एफ एक्स, ये अपना हो गया एक्स वन एफ एक्स वन, ये अपना हो गया एक्स टू, ये अपना हो गया एफ एक्स टू। अब यहां पर अपने को सब कुछ नोन है, सब कुछ नोन है, अननोन क्या है एक्स, तो अपने सब कुछ डाल के एक्स निकाल सकते हैं। हाँ इसको सॉल्विंग करो, कॉपी करो इसको, ऊपर वाला काम। अच्छा ठीक है, तुमने तो कॉपी नहीं किया, रुक जाओ। यही चीज को अपने कैलकुलेटर से कर सकते हैं, कैसे ध्यान दो। इक्वल टू दबाओ, सॉरी इक्वल टू दबाओ, एसी दबाओ, एसी एसी दबाने से वो इक्वेशन दोबारा आ रहा है, एसी दबाने से वो इक्वेशन दोबारा आ रहा है ना। अपने को क्या करना है, अब इक्वल टू दबाओ। अब अपने को पता है आंसर किसके किसके बीच में आएगा, 5 और 6, तो स्टार्ट करेंगे 0.05 से, ठीक है। फिर इक्वल टू दबाएंगे, एंड करेंगे 0.06 में, फिर इक्वल टू दबाएंगे, ठीक है। अब अपने को कैसा वैल्यू चाहिए ध्यान देना, अब अपने को कैसा वैल्यू चाहिए, अपने को चाहिए 5%, 5.1%, 5.2%, तो डिफरेंस कितना हो रहा है 0.1%, विच इज 0.001। अब स्टेप डालेंगे 0.001 का। अब देखो वापस से सारा वैल्यूज कैलकुलेट करके देगा, तो जो वैल्यू 1100 के क्लोज आ रहा है वो अपना आंसर होगा। चाहे तो वापस से कर सकते एक बार, देखो 1100 के बगल में कौन सा आ रहा है, नहीं। अब देखो क्या आ रहा है, 0.056 एंड 0.057 के बीच में आ रहा है, 0.056 और 0.057 के बीच में आ रहा है। अब वापस से एसी दबाइए, वापस से एसी दबाइए, अब इक्वल टू दबाइए, तो स्टार्ट अप करेंगे 0.056 से, एंड करेंगे 0.057 में। अब स्टेप कितने का डालेंगे, 0.0001, 0.0001, ठीक है ना। अब देखो वापस से वैल्यूज आएगा, तो एग्जैक्ट 1100 किस पे आ रहा है चेक कर लो, ये देखो 1099.9, तो अपना आंसर हो जाएगा 5.65%, ये अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि 5.65 पे एग्जैक्ट, तो 2 से 3 डेसिमल प्लेस तक अपने आराम से इंटरपोलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। और यही चीज अपना यही आंसर आएगा वो मेथड से भी, बट पेपर में रिप्रेजेंटेशन के लिए अपने को वो दिखाना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। कॉपी कर लीजिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, ये लीजिए। कॉपी करो इसको, कॉपी हुआ, अब इसको कॉपी करो और इससे आंसर देखो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक करो।
हाँ 0.0। क्योंकि हमें 11 चाहिए था सर ने मतलब अज्यूम कर दिया हमें ये निकालना था कि कितने परसेंट 11 आ स्टार्ट कर 0.0 नहीं 0.056 सर अरे वो स्टार्ट को कैलकुलेटर से स्टार्ट कौन से वाले से ये दोबारा करना मैं सिंथेटिक से रहा है टेबल बना दिया ना उसका उसका स्टार्ट 0.3 का सेकंड एंड पे डाल देता है
देखना दो ब्रैकेट अभी से वो कह रहे जो इंटर कॉलेज में ये एक्चुअली पर्सनल है इंटर कॉलेज में कॉलेज वाले नहीं है जो भी नहीं दोस्तों में कॉलेज वाले कुछ नहीं है खूब मिलना हाँ वो सिर्फ एक मानसिक कर रहा है अच्छा मतलब ये भी है जो बाहर का इंटर कॉलेज वो भी नहीं बताते हैं अगर जैसे बहुत बड़ा पेस्ट है अब किसी को पता तो बता रहे हैं छोटे मोटे कॉलेज इसमें प्राइवेट एंट्री ज्यादा है ना इसमें कॉलेज को भी नहीं किसी और कॉलेज के बच्चे को भी अपना बात करना है हाँ प्राइवेट में इतना बच्चे ये भी वक्त ये तो मैथ्स से सेंट किया है बुजुर्ग का इसका भी कोई सुपर अच्छा इसके कोई सर तो इकोनॉमिक्स से ये वाला नहीं वाला मैंने एक और डाल के देखा कि सिर्फ एक ही फंक्शन को सॉल्व करता है नहीं तो चलना वाली थी और क्या देखती कुछ ना कुछ बहुत बोला था ना मैं उन्होंने सुना क्या कुछ एंड उसे सॉल्व करना है मैंने तो वैल्यू डाल के सॉल्व कर दिया है क्रॉस नॉर्मल अच्छा और ये मेरा कॉम्प्लेक्स थी कुछ अभी ये तो चल रही थी नॉर्मल वाला तो कर दिया आया सर
हाँ हाँ पता है, मैं कुछ नहीं समझ आएगा। ठीक है, सिंटेक्स एरर ब्रैकेट की वजह से आ रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर टू लिखिए। अब जैसे मान लो 78.92 का प्राइस है, 10 साल का वो है आपका पीरियड, इक्वेशन है 5a10 प्लस 100v⁻¹0। इसका मतलब क्या है, 5 रुपया का वो है इंटरेस्ट पेमेंट है, आज आपने पे किया है 78.92 एंड 10 साल के बाद में आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा, क्योंकि 5a10 है ना, तो 5a10 का मतलब क्या है, हर एक एक साल के गैप में आपको 5-5 रुपया मिल रहा है एंड 10 साल के बाद में कितना मिलेगा, 100 रुपया। तभी तो 100v⁻¹0 है ना। इसका कैश फ्लो कैसा है देख लो एक बार, ये जीरो में क्या हो रहा है, -78.92, फिर 1 पे हो रहा है +5, 2 पे हो रहा है +5, डॉट 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 10 पे हो रहा है क्या 5 + 100। इज इट ओके ऑल ऑफ यू, हाँ या ना? तो अपने इक्वेशन क्या बना रहे, 78.92 इज व्हाट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो 5a10 प्लस 100v⁻¹0। अब इसका इक्वेशन को लिखेंगे कैसे, ध्यान देना, 5 1 - 1 + x⁻¹-10x प्लस 100 × 1 + x⁻¹-10। अब सब लोग कैलकुलेटर निकालिए, अब सब लोग कैलकुलेटर निकालिए, ध्यान देना मेरे तरफ देखो सब लोग, चालू कर रहे हैं तो 5 × (1 - (α)⁻¹-10, राइट एरो से नीचे आएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, डिवाइड वाला बटन दबाएंगे, फिर अल्फा क्लोज ब्रैकेट, फिर राइट एरो से बीच में आएंगे +100 × (1 + α)⁻¹-10। ये सबका आया इक्वल टू में, अपने स्टार्ट करेंगे 0.01 से, एंड करेंगे 0.2 में, स्टेप डालेंगे 0.01 का और बताएंगे कितना कितना आ रहा है। स्टेप देखो बेटा, स्टार्ट कर रहे हैं 0.01 पे, एंड कर रहे हैं 0.2 पे, स्टेप डाल रहे हैं 0.01 का। सेवेंटी एट पॉइंट नाइन टू आपका आएगा 8 और 9 के बीच में, है ना, 8 और 9 के बीच में आ रहा है, तो एक ऊपर का और एक नीचे का वैल्यू लेंगे, फिर एसी दबाएंगे, फिर अब स्टार्ट करेंगे 0.08 से, एंड करेंगे 0.09 पे, स्टेप डालेंगे 0.001 का। सेवेंटी एट पॉइंट नाइन टू चाहिए ना अपने को, देखो कहाँ आ रहा है, 8.2% आ रहा है क्या, चेक करो एक बार, 0.001 डेप्थ में जा रहे हैं ना, तो पहले स्टेप डाले 0.01 का, फिर स्टेप डाले 0.001 का, कितना आ रहा है चेक करिए। अपने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 8% पे कितना आ रहा है, अपने को x% चाहिए, अपने को चाहिए 78.92,
9% पे कितना आ रहा है, जैसे 8% पे अपना आ रहा है 79.869 और 9% पे आ रहा है 74.329। अब लीनियर इंटरपोलेशन का फॉर्मूला क्या बोलता है, x माइनस एक्स वन बाय एक्स टू माइनस एक्स वन इज वॉट, एफ एक्स माइनस एफ एक्स वन बाय एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन। सॉल्व करिए इसको, कैलकुलेटर वाले मेथड से भी आएगा, इससे भी आएगा। इसमें नेमिंग प्रॉपर कर लीजिए, ये x है तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स है, ये x है, ये x1 है, ये एफ एक्स वन है, ये x2 है, ये एफ एक्स टू है। यस आशुतोष सर, जब हमारे पास क्लोजर वैल्यूज हैं तो फिर हम एकदम एक्सट्रीम एंड वाली वैल्यूज क्यों ले रहे हैं इसकी, मतलब 74 और 79 क्यों ले रहे हैं जब हमारे पास क्लोजर टू 79 भी है। अरे एक बार इंटरपोलेट करने से पता चल गया ना 8 और 9 के बीच में, इसीलिए। अच्छा 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 ठीक है। कितना आ रहा है, हाँ जीरो पॉइंट जीरो एट, ठीक है 17 के बाद, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है हाँ 0.81 तक ठीक है।
ठीक है हाँ। अब एक चीज सोचो, अब ये जो अपना जो कैश फ्लो है ना, जैसे मान लो जीरो है, 1000 अपन दिए 1, 2, 3, 4 और 5, तो 80, 80, 80, 80, 1080, ठीक है। तो अपने इसका इक्वेशन क्या बनाए, 80A5 + 1000V5, ठीक है। अब जैसे अगर अपने इसको 6% पे इवैल्यूएट करेंगे तो अपना क्या आएगा प्राइस, 8% पे इवैल्यूएट करेंगे तो अपना प्राइस 1000 आएगा, और 10% पे इवैल्यूएट करेंगे तो क्या आएगा प्राइस, टेबल बुक निकालो, 6% का टेबल बुक में जाओ, तो 80 × 6% का टेबल बुक में जाके A5 का वैल्यू देखो और V2 5 का वैल्यू देखो और कैलकुलेट करके बताओ 6% पे अगर इसको इवैल्यूएट करेंगे तो अपना प्राइस क्या आएगा। कितना आ रहा है बेटा 6% पे, 1084 पॉइंट समथिंग आ रहा है, और 10% पे, ठीक है। इसके बाद एक नोट लिखो, देयर एग्जिस्ट्स एन इनवर्स relationship between price and yield. There exists an inverse relationship between price and yield. कैसे बोलो तो, अपने जैसे जैसे yield को बढ़ा रहे हैं तो price क्या हो रहा है, कम। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि ज्यादा जोर से cash flow टन रहा है, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कोई एक investor है, ठीक है, कोई एक इन्वेस्टर है जिसको 10% का रिटर्न चाहिए अपने पैसे पे, तो उसके हिसाब से कितना प्राइस वो पे करने को रेडी होगा इस बॉन्ड के लिए, 924। अब मार्केट में हो सकता है 924 पे मिले, 930 पे मिले, 920 पे मिले, तो एक्शन क्या होगा देखो, अगर किसी को 10% का रिटर्न चाहिए तो उसके हिसाब से प्राइस कितना आना चाहिए, 924, माने ही विल बी रेडी टू पे 924 और लेस। But if the price is 930, the action is what? Not buy. If the price is 920, the action is what? Buy. Clear हो गया अला? ठीक है, यही है equation of value. ठीक है, एक अपने को श्रीधर आचार्य वाला सिस्टम से कर लेना चाहिए, कॉपी कर लो इसको।
ठीक है, इसके बाद लिखना एक कैश फ्लो देखो, एक कैश फ्लो देखो, माइनस 100 टाइम 5 पे मिलेगा प्लस 60 एंड 10 पे मिलेगा प्लस 60। मैंने 100 रुपया दे रहे हैं उसके बदले क्या मिल रहा है, 60 60। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, 100 इज व्हाट, 60v5 प्लस 60v10। अब जहां पर अपने को एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब श्रीधर आचार्य से, वहां श्रीधर आचार्य लगाएंगे क्योंकि इट इज एग्जैक्ट मेथड। तो अपने यहां पर क्या कर रहे हैं, वी टू दी पावर 5 को अपने ले रहे हैं a, तो 100 इज व्हाट, 60a प्लस 60a स्क्वायर। ठीक है, तो अपने आगे कैसे करेंगे, 60a स्क्वायर प्लस 60a माइनस 100 इज जीरो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज जीरो। तो यहां पर अपना a कितना हो गया 60, b कितना हो गया 60, c कितना हो गया माइनस 100। अब श्रीधर आचार्य वाला फॉर्मूला जब लगाएंगे तो क्या आएगा, माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इसको सॉल्व कर लीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव आएगा देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि v टू दी पावर 5 है तो डिस्काउंट फैक्टर है, और डिस्काउंट फैक्टर जो भी होगा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो हो नहीं सकता है। ठीक है, वहां पर क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, अपने को v टू दी पावर 5 को इक्वेट करना पड़ेगा जो आएगा उससे, और फिर वहां से अपने क्या निकालेंगे, i, जो कि अपने निकालना है, यील्ड निकालना है अपने को। ठीक है, सो 1 प्लस आई टू दी पावर माइनस 5 इज इक्वल टू जो r है, दोनों तरफ लॉग लेके i को सॉल्व करेंगे। पहले इससे बताओ क्या आ रहा है आपका आंसर, चेक करिए, माइनस वाला में नेगेटिव आएगा राइट, तो प्लस वाला ही सॉल्व करो, लेकिन ऐसा मत करना कि करोगे नहीं, एग्जाम में दोनों कर लेना। ठीक है, चलो चालू करो। Thank you.
बोलो हुआ यहाँ तक? हाँ कितना आ रहा है आई? एक्स निकल गया, बस इसको वी टू दी पर फाइव से इक्वेट करना है। अरे स्टार्टिंग में अपने क्या किए थे, ये किए थे ना v टू दी पर फाइव इज a, तो a जब निकल गया दैट इज इक्वल टू v टू दी पर फाइव, अपने को रेट ऑफ रिटर्न निकालना था तो निकालो। ये कितना आ रहा है, जीरो पॉइंट नहीं i नहीं मतलब a 0.8844। हाँ तो बस यहां से i निकालो 0.024, हो गया निकल गया। एक बुक देना, अप्रैल 2012 का है क्वेश्चन नंबर 8, रिवीजन नोट में आइए CT1। ओके डेल्टा टी दे दिया है, डेल्टा टी दे दिया है, पहला ही है मतलब अप्रैल 2012 क्वेश्चन नंबर 8 बुकलेट 2 का डेल्टा टी दे दिया है। अपने को बोल रहा है सबसे पहले ना लास्ट वाला करेंगे, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ कंटिन्यूअस पेमेंट स्ट्रीम पेबल एट द रेट ऑफ 100 ई टू द पावर 0.01 t। तो 10 से 18 बोल रहा है ना, सो इंटीग्रेशन 10 टू 18 100 ई टू द पावर 0.01 t एक्सपोनेंशियल माइनस टाइम 10 पे लाएंगे t पर जो पेमेंट हो रहा है 0.02 ds होल इनटू dt, फिर 10 से 0 पे लाएंगे, ठीक है। तो 100 अपना आ जाएगा बाहर, 10 टू 18 ई टू द पावर 0.01 t ई टू द पावर माइनस 0.02 टी माइनस 10 dt। तो दिस इज 100 ई टू द पावर 0.2 10 टू 18 ई टू द पावर 0.01 t
ई टू द पावर माइनस 0.02 टी डी टी, ठीक है. सो दिस इज 100 ई टू द पावर 0.2 इंटीग्रेशन 10 टू 18 ई टू द पावर माइनस 0.01 टी डी टी, ठीक है. सो दिस इज 100 ई टू द पावर 0.2 e to the power minus 0.01 t by minus 0.01, ठीक है, 10 to 18, इसको सॉल्व करिए. So this is 100 e to the power 0.2 by minus 0.01 e to the power minus 0.01 into 18 minus e to the power minus 0.01 into 10, सॉल्व करो इसको. अभी वैल्यू 10 पे आया है, फिर इसके बाद में अपने को डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा 10 इयर्स का. पहले इसका फाइनल आंसर मेरे को बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे. रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है ना उसमें देखना, इंस्टीट्यूट का मैट का पूरा सम्स कराया हुआ होगा, रिवीजन नोट कराया हुआ होगा, तो वो सब पूरा कर लेना. स्टैट्स का बेसिक्स कर लेना और एक्सेल का भी दो क्लास करवा दे रहे ताकि तुम लोग का स्टार्ट हो जाएगा, फिर एक्सेल को भी कंटिन्यू कर लेना. हाँ हाँ, तो जो भी आ रहा है आपका अब अलग से एक बार कैलकुलेट करेंगे अपन. वी जीरो से टेन, तो ब्रेक कहाँ कहाँ पर है बताइए, ब्रेक कहाँ कहाँ पर है. ब्रेक है अपना 5 पे, फिर ब्रेक है अपना 8 पे, और फिर ब्रेक है अपना, हाँ. तो सबसे पहले अपने निकालेंगे वी 0 to 5. सो दिस इज एक्सपोनेंशियल माइनस टाइम 0 पे लाएंगे, टाइम 5 पे जो पैसा है 0.04 प्लस 0.003 टी स्क्वायर this whole thing into dt. So this is what, exponential minus 0.04 into 5 minus 0.003 by 3 into 125. 5 का क्यूब हो जाएगा ना, इसको सॉल्व कर लो पूरा, क्या आ रहा है बताओ. फिर इसके बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे v 5 से 8 एक्सपोनेंशियल माइनस क्या होगा, टाइम 8 पे जो पैसा है उसको 5 पे ला रहे हैं, 0.01 प्लस 0.03 टी डी टी, है ना. तो दिस इज व्हाट, ईएक्सपी माइनस 0.01 इंटू 3 माइनस 0.03 बाय 2 इंटू क्या हो जाएगा बताओ, 64 माइनस 25, सॉल्व कर लो. एंड वी 8 से 10 तो बहुत इजी है, ई टू द पावर माइनस 0.02 इंटू 2.
अब देखो अगर आपका ये आ जाएगा ना, जब सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वी जीरो से टेन क्या आ रहा है? आप देखो पहला क्वेश्चन देखो इसका, इसका पहला क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1000 ड्यू एट टाइम 10। तो वी जीरो से 10 को अपने क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो क्या आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू एट टाइम 0। फिर बोलता है कैलकुलेट द कॉन्स्टेंट रेट ऑफ डिस्काउंट पर एनम कन्वर्टिबल क्वार्टरली। तो अपने क्या कर सकते हैं, वी जीरो से 10 जो आ रहा है ना, कॉन्स्टेंट रेट ऑफ डिस्काउंट पर एनम कन्वर्टिबल क्वार्टरली। तो बोलता है ऐसा कौन सा कॉन्स्टेंट रेट ऑफ डिस्काउंट पर एनम कन्वर्टिबल क्वार्टरली, मतलब D4, ताकि अपना डिस्काउंटिंग फैक्टर सेम आए। तो 1 माइनस D4 बाय 4 होल टू द पावर 4, यहां से D4 सॉल्व करिए। अब धीरे धीरे क्वेश्चन बनना चालू हो जाएगा, चलो चालू करो बनाओ। ये लो D4 0.86 तो नहीं आएगा, D4 नहीं आ सकते 0.86, गलत है। D4 cannot be 0.86, गलत निकाला है। V0 से ऋण कितना आ रहा है आप लोग का, V0 से ऋण कितना आ रहा है, मैं D4 पूछ रहा हूं। D4 0.86 कैसे आ सकता है? तुम लोग पहले ये बताओ 10 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना आ रहा है, जब इन सबको कर रहे हैं तो V0 से रन कितना आ रहा है, 37530 ये आ रहा है ना, तो अपने तो इसको इक्वेट किए होंगे 2 × 10 भी तो होगा, ये तो 10 साल का है ना, और किया तो 1 साल का, 1 × 10 भी तो होगा, 1 − G4/4⁴, ये तो 1 साल का है, 1 × 10 करेंगे तब 10 साल का आएगा ना, तभी मैं बोल रहा हूँ आंसर क्यों नहीं आ रहा है। हाँ 0.09, हाँ यार है क्या सबका 0.096809? हाँ अरे बोलो, सबका आ रहा है, आ रहे तो क्या रहे 0.0, ऑनलाइन में सबका आया येस और नो, एक क्वेश्चन लिखो। फर्स्ट पेमेंट इज 1000,
एट टी इज इक्वल टू वन ईच पेमेंट इंक्रीज बाय 3% टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स इज 16 RDR risk discount rate 12% calculate present value इसका टाइमलाइन बनाने का ट्राई करते हैं पहला पेमेंट बोल रहा है टाइम वन पे होगा 1000 का और हर पेमेंट बढ़ेगा कितना परसेंट से 3% से तो ये क्या हो गया सिंपल इंक्रीज हुआ ना कंपाउंड इंक्रीज हुआ कंपाउंड इंक्रीज क्योंकि कंपाउंड इंक्रीज में क्या होता है स्पेसिफिक रेट से बढ़ता है सो 1000 इंटू 1.03 टू द पावर 1 सो 3 पे क्या हो जाएगा 1000 इंटू 1.03 का स्क्वायर टोटल कितना पेमेंट्स बोल रहे 16 तो 16 पे क्या हो जाएगा 1000 इंटू 1.03 टू द पावर 15 अब अपने को सबको पुल बैक करना है तो अपने इक्वेशन क्या बनाएंगे प्रेजेंट वैल्यू का 1000 वी 1000 into 1.03 V square plus dot 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 plus 1000 into 1.03 V to the power 15 aha ek minute 1000 into 1.03 to the power 15 V to the power 16 kyunki 16 years pullback hoga ab apne kya kar sakte hain 1000 V common agar apne 1000 V common le lenge to kya aayega apna 1 plus 1.03 V plus dot 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 plus last में क्या आ जाएगा 1.03 V to the power 15 and risk discount rate अपने को 12% दिया हुआ था 1.12 RDR मतलब yield होता है I होता है और अंदर में क्या आएगा A 1 minus R to the power N by 1 minus R solve करिए इसको answer निकालिए जोश में आओ खाना ऑर्डर हो गया है कल सब लोग लैपटॉप लेके आना ठीक है पहले एक घंटा मैम पढ़ा देगी फिर मैं पढ़ा दूंगा आ रहा है अब इसी का मान लो अक्यूमुलेटेड वैल्यू अगर निकालना होगा तो जो आया है ना प्रेजेंट वैल्यू उसको 1.12 टू द पावर 16 कर देंगे तो अक्यूमुलेटेड वैल्यू आ जाएगा समझ गया ना तो कंपाउंड इंक्रीजिंग में इस तरीके से निकलता है आंसर ठीक है चलो निकालो कितना आ रहा है आंसर अक्यूमुलेटिव वैल्यू का आंसर निकालो कितना आ रहा है 50
accumulated value को निकाल रहे हैं ना, तो 50285.4 ठीक है। ठीक है बोलो, एक क्वेश्चन लिखो। एनविटी पेड इन एडवांस फॉर 10 ईयर्स बट डेफर्ड फॉर 5 ईयर्स ठीक है। एनविटी अमाउंट 500, RDR मतलब रिस्क डिस्काउंट रेट 8%, एनविटी इज पेड इन एडवांस फॉर 10 इयर्स बट डेफर्ड फॉर 5 इयर्स। देखो डेफर्ड का मतलब क्या होता है ना, 5 को 0 मान के चलेंगे एंड एडवांस में क्या होता है, पहला पेमेंट 0 पे होता है कि 1 पे होता है? 0 पे होता है, तो पहला पेमेंट होगा 5 पे, कितना पेमेंट हो रहा है 10, तो लास्ट पेमेंट होगा 14 पे, 15 पे नहीं होगा। चीज समझो ना, बहुत सिंपल सा चीज है, 10 साल का एडवांस एनविटी है बट 5 साल डेफर्ड है, तो जितना पीरियड डेफर्ड है, तो जब डेफर्ड पीरियड खत्म हो रहा है उसको 0 मान लो ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है, इसको अगर अपने फर्स्ट प्रिंसिपल से करते हैं, पहले कॉपी कर लो यहां तक। अगर फॉर्मूला से करेंगे तो बहुत ही सिंपल है, 500 ADU 10 V to the power 5, ADU 10 करेंगे तो वैल्यू आएगा 5 पे, फिर 5 से 0, और यही अगर मान लो अपने फर्स्ट प्रिंसिपल से करते तो क्या होगा, 500 बाहर V to the power 5, V to the power 6, dot 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 V to the power 14, तो तुम क्या कर लो, तुम 500 से V to the power 5 ले लो बाहर, तो 1 plus V dot 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 क्या आ जाएगा, V to the power 9, This is annuity paid in advance for 10 years. Clear है? Copy कर लो। अब कुछ भी दे दे, कुछ भी दे दे, हम लोग कर लेंगे, कुछ भी दे दे। इसका आंसर निकालिए। ये टाइमलाइन कॉपी हुआ? हाँ? इसके बाद वाला क्वेश्चन एक बार रीड कर रहे हैं। एनविटी ऑफ 200 पर मंथ पेड इन एडवांस फॉर 20 इयर्स, माने पर मंथ में पेमेंट होगा 20 साल पेमेंट होगा, I2 दिया हुआ है 10% एंड प्रेजेंट वैल्यू निकालना है ठीक है। चलो चालू करो, दोनों क्वेश्चन करो, टाइम ले लो।
एक चीज देखना, ये ऊपर वाले का आंसर कितना आ रहा है, ऊपर वाले का आंसर आ रहा है 2466 क्या? अब नीचे वाला को देखो, चार अलग अलग मेथड से करेंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे मंथ्स से, तो जब मंथ्स में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 200 ए 20 साल में कितना 240 एट द रेट मंथली इफेक्टिव रेट। तो आई टू दिया हुआ, तो आई 12/12 कैसे निकाल सकते हैं, 1.05 टू द पावर 2/12 माइनस 1। अब एकदम शॉर्टकट में करेंगे, ठीक है ना, ये कितना आ रहा है बताओ। फिर हम लोग करेंगे इसको मंथ्स में किए, अब क्वार्टर्स में करेंगे, तो एक क्वार्टर में कितने का पेमेंट होगा 600 ए, 20 साल में कितना क्वार्टर 20 × 4 80, और एक क्वार्टर में कितना बार 3 बार एट द रेट क्वार्टरली इफेक्टिव। अब अपने क्या करेंगे, 1.05 का स्क्वायर डिवाइड बाय क्या, अरे ट्राई करो यार, डिवाइड बाय क्या, अगर क्वार्टरली इफेक्टिव रेट निकाल रहे तो डिवाइड बाय क्या, 4 − 1। एक्सीलेंट, ठीक है। अब इसको समझ गया, अब इसको आई मान के फिर क्या निकालेंगे, I3। फिर हाफ ईयर में काम करेंगे तो क्या होगा, 200 × 6 = 1200 ए 20 साल में कितना हाफ ईयर 40, एक हाफ ईयर में कितना बार 6। अब हाफ ईयर का तो इफेक्टिव रेट दिया हुआ ही है 0.05, ठीक है। इसके बाद में एनुअल में काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2400 ए 20, एक साल में 12 बार। एडवांस में बोला है कि अरियर में बोला है, तो बोला ही नहीं कोई मेरे को, सब में ड्यू लगेगा, एडवांस में सब में ड्यू लगता है, ठीक है। एट द रेट एनुअल कैसे निकालेंगे बताओ, 1.05² - 1, है ना। चलो अब ये सारा पहले रेट्स बताओ क्या क्या आ रहा है, मंथली इफेक्टिव रेट बताओ 0.008165, ये वाला बताओ, क्वार्टरली इफेक्टिव रेट बताओ 0.024 क्या 69, एनुअल इफेक्टिव बताओ 0.1025। अब मेरा बात सुनो, अब अपने को क्या करना है, एबा बोर्ड पे देख लो प्लीज, एबा बोर्ड पे देख लो, इस रेट पे अपने को डी निकालना है, इस रेट पे अपने को D3 निकालना है, इस रेट पे D6 एंड नीचे वाले रेट पे D12 निकालना है। चारों मेथड से जिसका आंसर सेम आएगा मतलब उसका कॉन्सेप्ट सही है। चलो चालू करो, एक जैसे मैं बता देता हूं, अब जैसे नीचे वाला है, अब अपने को क्या करना है, 1/1.1025 इज 1 − D12/12 whole to the power 12। तो इसको जब अपने सॉल्विंग करेंगे, मोड में जाके 1 दबा देना, 1.1025 to the power − 1/12, है ना। और ये पूरा चीज को क्या करेंगे, 1 − अरे हाँ बोलो ना बोलो कुछ तो बोलो, एंड फिर इनटू में करेंगे 12। अब डायरेक्ट निकालना सीखो धीरे धीरे करके, तो D12 तुम्हारा क्या आ जाएगा, 0.09718465, समझ गया ना। हाँ, एक तो 1 बाय है तो 2 − 1, उधर से डिवाइड में आएगा 12, वो पूरा चीज 1 से माइनस हो जाएगा, और फिर इनटू 12। चलो चारों मेथड से आंसर निकालो, अब मैं और नहीं करूंगा, चारों मेथड से आंसर निकालिए।
चलो ए भाई स्ट्राइप्स तुम सॉल्व किया? कल क्लास देखा था घर में जाके? आज तो तेरा चेहरे में हल्का हल्का मुस्कान लग रहा है। एक्सेल भी चालू करवा दे रहे ना, तो फिर क्या होगा, तुम लोग घर पे थोड़ा रिकॉर्डिंग कर लेना। कल 6 से 7 एक्सेल करा देंगे और फिर 7 से 8 मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है? और परसों को 6 से 7 एक्सेल करा देंगे, फिर 7 से 8 टेस्ट, फिर तुरंत तुरंत रिपोर्ट कार्ड बता देंगे। ऑनलाइन में जो लोग भी टेस्ट देगा, मतलब वो लोग को तुरंत 8 बजे डॉट सबमिट करना पड़ेगा। बहुत सिंपल है। हाँ हाफ ईयर। हाँ 40 हाफ ईयर है। एक हाफ ईयर में कितना बार हो रहा है? 6 बार पेमेंट हो रहा है। कितना आ रहा है आंसर इसका? 21188। कोई एक भी किया है क्या? अरे तुम कर क्यों नहीं रही हो? एक भी नहीं आया तुम्हारा अभी तक? करो फटाफट। वन पॉइंट डबल जीरो एट 165। कितना टाइम लगता है? मेरे को तो समझ में ही नहीं आता है। 1 माइनस 1.008165 टू द पावर -240 इनटू 1.008165 डिवाइडेड बाय 0.008165। टू वन वन एट सेवन आ रहा है क्या? हाँ अरे बोलो यार, तुम लोग मुंह से बोलते नहीं हो। 2 1 1 8 7 आ रहा है क्या सबका? टू वन वन एट सेवन आ रहे क्या सबका? चारों मेथड से आंसर निकालिए। सबसे सेम आएगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, सब लोग करेगा अभी। कल हम लोग एडवांस प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।